चलिए करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर हमने हैंड रेल वाली कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट स्टेप जो है, अपने स्टेयर केस के ऊपर जो टावर होता है उसकी अपने को कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब अपने एकदम रूफ टॉप पे आ जाते हैं। ये देखो, मैं आपको एक ड्राइंग दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो मेरे पास ड्राइंग है स्टेयर केस टावर का, ठीक है, ये मेरे पास स्टेयर केस टावर है। यहाँ पे ये वाला जो मेरा है, ये मेरा स्टेयर केस टावर है, ठीक है। ये इसका टॉप व्यू है स्टेयर केस टावर का, इसको अच्छे से देखिए। टॉप व्यू के अंदर आपको यहाँ पे वॉल दिखाई दे रही है, यहाँ पे वॉल दिखाई दे रही है, ठीक है। ये जो वॉल्स बनी हुई है, ये मेरी वॉल जो है वो ब्रिक्स से बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरे को चार कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, चार कॉलम्स जो हैं जो बीम से कनेक्टेड हो रखे हैं आपस में, ठीक है। तो आपको टॉप व्यू से सारा जो है स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा, तो आपको क्या होगा, यहाँ से लेफ्ट और राइट व्यू भी देखना पड़ेगा। ये देखिए, लेफ्ट और राइट व्यू आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, ये मेरे हो गए कॉलम्स, यहाँ पे दो कॉलम्स हो गए, और यहाँ पे ये बीम कनेक्टेड है। बीम के नीचे का जो सारा वर्क है, ये वाला ब्रिक्स के अंदर हो रखा है, ठीक है। और उसके बाद मेरा आता है स्लैब। स्लैब जो है मेरा 125 थिकनेस है इसकी, और नीचे वाला सारा वर्क है वो ब्रिक्स से हो रखा है। ये तो मेरा लेफ्ट और राइट वाला पार्ट हो गया। अब मेरा फ्रंट वाला और बैक वाले एलिवेशन की बात करता हूँ। फ्रंट एलिवेशन यानी कि मैं अगर यहाँ से इसको देखूंगा इस तरफ से, तो यहाँ पे मेरा डोर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे वॉल दिखाई दे रही है। तो देखो, यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देगा फ्रंट एलिवेशन में, यहाँ पे डोर के लिए और यहाँ पे वॉल वॉल का जो स्पेस है वो दिखाई दे रहा है। एंड सेकंड बैक एलिवेशन। अब बैक एलिवेशन जो है वो आप चाहे यहाँ का, यहाँ की बात करो, दो कॉलम्स के बीच की, यहाँ पे बीम आएगा, यहाँ पे भी दो कॉलम्स के बीच बीम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेम क्रॉस सेक्शन बनेगा मेरा यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो उसका बैक एलिवेशन आएगा कुछ इस तरीके का, 2400 आपकी जो हो गई बीम हो गई। ये देखो, यहाँ पे 2400 मेरी बीम हो गई, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये देखो इस तरह से, ये मेरी बीम हो गई, और 250 mm का आपका यहाँ से कॉलम हो जाएगा। कॉलम का जो साइज़ है वो भी मैं बताऊंगा पुरानी वाली ड्राइंग दिखा के आपको, कि कॉलम का साइज़ अपना कितना लिया था। वैसे अगर आपको प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से देख रहे हो, तो आपको कॉलम के और बीम के साइजेस याद हो चुके होंगे अभी तक, ठीक है। तो ये इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग अपने को इसका कैलकुलेशन करना है सारा, कि इसके अंदर अपना कितना क्वांटिटी लगेगा ब्रिक्स का और कॉन्क्रीट का। सारा जो है शटरिंग वगैरह सब कैलकुलेट करेंगे, बीम का शटरिंग, कॉलम का शटरिंग और सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं एक्सेल के अंदर चलता हूँ फटाफट से, और अपना पॉइंट नंबर हो गया था 115, नेक्स्ट अपना पॉइंट है 116, ठीक है। 116 इसको मैं नेम देता हूँ स्टेयर टावर, स्टेयर केस टावर, ठीक है, स्टेयर केस टावर। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, पॉइंट ए बना लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले अपने करेंगे ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन, ठीक है। ब्रिक वर्क को जो है अपने वॉल्यूम के अंदर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ब्रिक वर्क को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, ब्रिक वर्क से मेरा कहाँ कहाँ काम हो रखा है देखते हैं प्लान के अंदर। यहाँ पे देखो, ये सब काम मेरा जो है ब्रिक वर्क से ही हो रखा है। यहाँ पे ये वाली वॉल है, चारों जो वॉल है चारों तरफ से ब्रिक से बन रखी है, ठीक है। यहाँ पे मेरा कॉलम रहेगा और यहाँ पे मेरा बीम रहेगा, बाकी सब ब्रिक से हो रखा है सारा काम, ठीक है। तो ब्रिक वाले पार्ट को जो है मैं दो पार्ट के अंदर कैलकुलेट करूंगा। ब्रिक वर्क को मैं दो पार्ट के अंदर कैलकुलेट करूंगा। इसको आप मान लो पार्ट वन, यहाँ तक जो आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट वन हो गया, और ये वाला मेरा जो हो गया ये वाला पार्ट टू, ठीक है। दो पार्ट के अंदर मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों पार्ट के लिए ब्रिक वर्क की थिकनेस अलग अलग है। देखो, यहाँ पे जो ब्रिक वर्क होगा वो यहाँ तक होगा, ये मेरे टोटल जो है ब्रिक वर्क की हाइट है, ठीक है। ब्रिक वर्क की हाइट यहाँ पे मैं टोटल कैसे निकालूंगा, देखो टोटल मेरी हाइट है 2100, 2100 में से मैं यहाँ बीम की माइनस कर दूंगा, बीम है मेरा 300 mm का, तो इसमें से ये माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे बचेगा 1800 mm मेरा, ठीक है। बट यहाँ पे जो ब्रिक वर्क है वो कितना बचेगा, यहाँ पे ब्रिक वर्क मेरा बचेगा, यहाँ पे ब्रिक वर्क देखो ये टोटल हो गया 2100, और ब्रिक वर्क मेरा है 100, स्लैब का जो थिकनेस आ गया वो है 125 mm, तो इसमें से ये माइनस करूंगा, तो यहाँ पे जो है वो जो डेप्थ आएगी वो अलग आएगी, ठीक है। तो इसको दो पार्ट में कैलकुलेट करते हैं, इसको अपन पार्ट वन मान लेते हैं और इसको पार्ट टू मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्रिक वर्क को पार्ट वन, ठीक है, पार्ट वन आप लिख सकते हो, इसके अंदर अंडर बीम लिख सकते हो, या सेकंड वाले में अंडर स्लैब इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। पार्ट वन अंडर बीम्स, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आपका जो है क्वांटिटी कितना होगा, क्वांटिटी तो वन ही होगा, ठीक है।
देन टोटल लेंथ कैलकुलेट करते हैं। टोटल लेंथ देखो ड्राइंग के अंदर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो यहाँ तक तो मेरा आप कॉलम आ रहा है, यहाँ से ब्रेक होकर स्टार्ट हुआ 2500, 2400, इधर भी मेरा हो जाएगा 2500 और इधर भी मेरा हो जाएगा 2400। इस साइड तो अपने का होगा ही नहीं काम, इस साइड तो मेरा बीम आएगा, ठीक है। तो 2500 प्लस 2400 प्लस 2500 ये एमएम के अंदर है, ठीक है। मीटर के अंदर मैं करता हूँ कैलकुलेशन, तो मेरा क्या हो जाएगा इक्वल्स टू का साइन 2.5 प्लस देन 2.4, 2400 यानी कि 2.4 प्लस 2.5 एंटर, ये मेरा हो जाएगा टोटल 7.4। ये वाली मेरी लेंथ कितनी होगी ब्रेक वर्क की, ब्रेक वर्क की टोटल लेंथ कितनी होगी 2500, 2.5 प्लस 2.4 प्लस 2.5। अब बात करते हैं इसकी हाइट की, हाइट को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, सॉरी विड्थ की। विड्थ जो है मेरी वॉल जो है कितनी है, वॉल मेरी 200 mm की है, 200 mm की वॉल है, मीटर के अंदर हो गया मेरा 0.2, ठीक है। अब बात करता हूँ हाइट की, हाइट के लिए क्या करूँगा इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा, टोटल हाइट है मेरी 2100 mm, मीटर के अंदर 2.1 माइनस बीम को मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा। देखो ये वाला इसका मैंने डायग्राम दिखाया था आपको यहाँ पे, ये देखो टोटल हाइट मेरी है 2100, 2100 में से यहाँ बीम का माइनस कर दूंगा, ठीक है। बीम्स जो है उसका आपको प्लान अगर याद नहीं हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे अपना बीम का प्लान था, ग्राउंड बीम का लेआउट प्लान था, ये ड्राइंग मैंने आपको दिखाई थी पीछे, ठीक है। ये अपना कितना है इसका क्रॉस सेक्शन 300 बाय 250 का, ठीक है। तो बीम की जो हाइट है वो है मेरी 300 mm, तो इसमें से ये माइनस कर दूंगा मैं 2100 में से 300 mm में माइनस करता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरा 0.3 एंटर, तो आ गया 1.8, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा फॉर्मूला बना लेता हूँ, इक्वल्स टू का साइन नंबर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई डेप्थ एंटर, ठीक है। ये मेरा जो आएगा वो आएगा क्यूबिक मीटर के अंदर, ठीक है। ब्रिक वर्क जो है वो क्यूबिक मीटर के अंदर मैं कैलकुलेट करता हूँ। उसके बाद पार्ट सेकेंड, पार्ट सेकेंड अंडर स्लैब, स्लैब के नीचे वाला जो पार्ट है, स्लैब के नीचे जो ब्रिक्स लगनी है मेरी, वो उसकी क्वांटिटी मेरी कितनी हो जाएगी उसको देखते हैं। पहले तो जो नंबर है वो तो एक ही रहेगा, ठीक है। अब ब्रिक की जो लेंथ है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, लेंथ मेरी यहाँ से कितनी होगी, देखो इतना इतना पार्ट अपने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे मेरा यहाँ से कॉलम आ रहा है, यहाँ से ब्रिक वर्क स्टार्ट होगा 0.65, ठीक है। 650 mm है तो मीटर के अंदर हो जाएगा 0.65 प्लस ये वाला कंप्लीट टोटल 2.4 प्लस 0.65, ठीक है। तो इसको ऐड करते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे तो आपका डोर आ रहा है ना, तो इस यहाँ पे तो ब्रेक वर्क होगा नहीं, ठीक है। तो इसको इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। 0.65, 0.65 दोनों साइड और 1.6, तो यहाँ पे मैं इक्वल्स टू का साइन लगाता हूँ 0.65 प्लस 0.65 प्लस प्लस यहाँ पे डोर आ रहा है आपका, तो 1.6 तक ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, यहाँ पे डोर है, ठीक है। तो यहाँ 1.6 तक लेंगे, पूरा 2.4 नहीं लेंगे, तो यहाँ पे 1.6 तक ही लेंगे, ठीक है। देन एंटर प्रेस किया, उसके बाद मेरा विड्थ जो है वो वॉल का वो वही रहेगा, 200 mm की वॉल है तो 0.2। देन अब बात करते हैं डेप्थ की, ठीक है। डेप्थ के कारण ही अपने को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि डेप्थ जो है मेरी अलग अलग है, इसकी 1.8 थी और इसकी कितनी कैलकुलेट, इसकी कितनी हो जाएगी देखो, सॉरी इसकी यहाँ से देखो यहाँ तक आपका जो है टोटल है 2100 mm, उसमें से माइनस करेंगे 125 mm को, ठीक है। तो यहाँ तक का अपना ब्रेक वर्क हो गया, हो जाएगा, ठीक है। अपने पहले एक पार्ट को कैलकुलेट किया, फिर दूसरे पार्ट को कैलकुलेट किया, ठीक है। ये सबसे तो बेटर जो डायग्राम्स है आपको एलिवेशन देके, राइट और लेफ्ट एलिवेशन देके सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन टोटल मेरा 2100 यानी कि 2.1 में से माइनस करूंगा मैं 0.125, 125 mm को, देन मेरा आएगा 1.975। सेम फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 1.14 इसको मैं थोड़ा सा दो डिजिट तक सेट कर देता हूँ, पहले इनको कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा सेम ही आ गया, यहाँ पे ऑल्ट के साथ प्लस एंटर प्रेस किया, टोटल आ गया आपका 3.8। यहाँ पे इसको करता हूँ और मैं डेसिमल को सेट कर देता हूँ दो डिजिट तक, ये दो डिजिट तक आ गया 3.81, मेरा टोटल कैलकुलेट हो गया ब्रिक वर्क का क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने कॉपी करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी, स्टेयर केस के अंदर कितना ब्रिक यूज होगा उसका क्वांटिटी अपने पास आ गया है, स्टेयर केस टावर के अंदर कितना ब्रिक यूज होगा, टोटल ब्रिक वर्क
क्वांटिटी ब्रिक वर्क इन स्टील के टावर, ठीक है, एस टी कर देता हूँ मैं शॉर्ट में, एस टी स्टील के टावर, टोटल ब्रिक वर्क इन स्टील के टावर, उसकी क्वांटिटी जो है वो आगे 3.81 क्यूबिक मीटर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, बी वाला पार्ट लेते हैं, बी पार्ट मैंने लिया। अब देखो इसके अंदर और क्या क्या बचा है, इसके अंदर बीम्स और कॉलम्स बचे, ठीक है, तो बीम्स और कॉलम्स में मेरा खर्चा कहाँ कहाँ पे होगा, कॉलम्स को कास्ट करने के अंदर मेरा खर्चा होगा और कॉलम को शटरिंग करने के अंदर होगा, बीम को भी कास्ट करने के अंदर होगा और बीम को शटरिंग करने के अंदर होगा, स्लैब को भी कास्ट करने के अंदर होगा, स्लैब का शटरिंग करने के अंदर होगा, ठीक है। तो टोटल मेरे 2 पॉइंट्स कॉलम के बन जाएंगे, 2 पॉइंट्स बीम के बन जाएंगे और 2 पॉइंट्स स्लैब के बन जाएंगे, टोटल मेरे 6 पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले लगाता हूँ कॉलम कॉन्क्रीट, कॉलम कॉन्क्रीट, ठीक है। कॉलम कॉन्क्रीट के अंदर अब जो आपका कॉन्क्रीट वर्क चल रहा है M25 ग्रेड का अपने यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेंशन कर दो आप M25 ग्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉलम है ये देखो, यहाँ पे ड्राइंग के अंदर चलते हैं, ये जो कॉलम है सारे ये यहाँ पे, मैं ग्राउंड बीम की वाली ड्राइंग के अंदर आता हूँ एक बार, ये देखो यहाँ पे जो कॉलम आ रहे हैं ये सारे कॉलम है C1, ठीक है, ये ड्राइंग मैंने आप काफी स्टार्टिंग में आपको दी थी, ठीक है, ये सारे C1 कॉलम आ रहे हैं यहाँ पे, और इसका जो साइज है वो 250 × 400 mm का, ठीक है। तो यहाँ से इस वाली ड्राइंग को मैं दिखाता हूँ आपको, चार मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम 4 हो गए C1, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, नंबर जो है वो मेरे पास हो गए टोटल 4 नंबर हो गए मेरे पास 4। यहाँ पे अगर आप दोनों कॉलम होते C1 और C2 तो अलग अलग आपको इस तरह से मेंशन करना पड़ता, ठीक है, फिलहाल C1 C2 का प्रॉब्लम नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा था, फिर भी लिख देता हूँ, C1 नंबर हुआ टोटल मेरे पास 4, टावर केस के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। देन उसके बाद लेंथ और विड्थ उसकी कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी 0.25, 250 mm का आपका है, और यहाँ से आपका 400 mm यानी कि 0.4 मीटर, ठीक है। दोबारा से एक बार डायग्राम देख लो, ये रहा आपका सॉरी ये बीम का है, ये कॉलम का है, ठीक है, ये C1 और C2 फिलहाल दोनों के लिए सेम है, 400 × 250 का है, ये भी 400 × 250 का है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने 2.5 और 0.4 ये मीटर के अंदर चेंज कर दिया। अब डेप्थ की बात करता हूँ, कॉलम का डेप्थ कितना होगा, जितना अपना ये देखो यहाँ पे स्टेयर के टावर का जो हाइट है उतना ही कॉलम का हाइट होगा। यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखो यहाँ पे हाइट यहाँ पे कितना टोटल 2100 mm, ठीक है। तो कॉलम की हाइट आपकी क्या होगी, 2100 mm होगी, यहाँ पे मैं करूंगा 2.1, तो मेरा टोटल कैलकुलेट हो जाएगा इक्वल टू का साइन नंबर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई डेप्थ, एंटर, ठीक है, 0.84 क्यूबिक मीटर। यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बचाना है अपने को। नेक्स्ट जो है सी पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट चलते कॉलम शटरिंग के अंदर, कॉलम शटरिंग, ठीक है। कॉलम शटरिंग जो है उसके अंदर क्या होता है, शटरिंग जो हमेशा एरिया के अंदर कैलकुलेट होती है, ये तो अपन ने वॉल्यूम के अंदर कैलकुलेट किया है, ठीक है, ये क्या होगा कि एरिया के अंदर कैलकुलेट होगा। तो बस यहाँ पे मैं डेप्थ को छोड़ दूंगा, एक सेकेंड, आपका शटरिंग जो है वो आपको करना है, देखो शटरिंग आप कहाँ पे करोगे, एक सेकेंड कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए, आप इधर देखो पहले शटरिंग कहाँ कहाँ पे करना होता है आपको, यहाँ पे चारों तरफ बांधो के कॉलम के, ठीक है, तो 400 + 250 + 400 + 250 टोटल लेंथ तो ये हो गई और डेप्थ जो है वो 2.1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो कॉलम है वो तो सेम ही रहने, ठीक है, C1 है मेरे पास 4 ही रहने, ठीक है, C1 4, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे सेम मैंने कंट्रोल भी कर दिया। अब यहाँ पे लेंथ जो है वो कैसे चेंज हो जाएगी, इक्वल्स टू का साइन 0.4 + 0.25 + 0.4 + 0.25, कॉलम के चारों तरफ का पैरीमीटर ले लिया, एंटर, और पैरीमीटर को मल्टीप्लाई करूंगा मैं डेप्थ से, ठीक है, तो ये मेरा शटरिंग टोटल कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे शटरिंग जो एरिया के अंदर आएगा इक्वल्स टू का साइन नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा डेप्थ से, लेंथ से और मल्टीप्लाई किया मैंने डेप्थ से, ठीक है, एंटर किया तो आ गया 10.92,
देन इसी तरह से मैं क्या करूँगा, बीम का जो कंक्रीट कैलकुलेट करूँगा और बीम का शटरिंग कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो यूनिट है वो अपने को चेंज करनी है, स्क्वायर मीटर के अंदर करना है। नेक्स्ट डी जो है उसके बारे में बात करता हूँ मैं। डी डी जो मेरा है वो है बीम कंक्रीट। यहाँ से मैं इसको सेम कॉपी करके ले आता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉलम की जगह बीम कर दूंगा। बस यहाँ पे मैं बीम कर दूंगा। अब बीम जो है मेरे पास दो कितनी हो जाएगी टोटल, यहाँ पे देखो आपके पास बीम जो है, ड्राइंग्स पे चलते हैं, ये आपकी ड्राइंग है। ठीक है, बीम देखो एक दो तो ये हो गई, टू पॉइंट फाइव वाली, एक वन और टू, इसको मैं बोल देता हूँ ये जो हो जाएगी वाई डायरेक्शन के अंदर और ये हो जाएगी एक्स डायरेक्शन के अंदर। यहाँ मेरे कॉलम आ रहे हैं और यहाँ मेरे कॉलम आ रहा है। ठीक है, तो एक बीम यहाँ पे हो जाएगी, एक बीम यहाँ पे हो जाएगी, तो ये तो हो जाएगी 2.4। तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, बीम जो मेरी है पहली बात करता हूँ एक्स डायरेक्शन के अंदर, देन बात करता हूँ वाई डायरेक्शन के अंदर, देन बात करता हूँ वाई डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर मेरी नंबर ऑफ बीम कितनी हो जाएगी, दोनों ही डायरेक्शन में दो दो हैं। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में एक ये यहाँ पे आ जाएगी, एक इन दो कॉलम्स के बीच में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको ये वाला जो दिखा रखा है आपको, इसके अंदर वो ओनली आपको ब्रिक का वर्क दिखाया है। ठीक है, कॉलम में आपको दिखाया नहीं है। ये देखो यहाँ ग्राउंड बीम लेआउट देखोगे तो इसमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, एक यहाँ पे बीम आ जाएगी, एक यहाँ पे बीम आ जाएगी, GB16 वाली और यहाँ पे GB1 वाली। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये हो गया 2400। एक्स डायरेक्शन में बात करूँ नंबर ऑफ बीम हो गई दो। ठीक है, 2400 यानी कि 2.4 बीम का जो विड्थ है वो कितना हो जाएगा, बीम का जो विड्थ है और डेप्थ है वो कितना हो जाएगा, वो इस वाली ड्राइंग से मैं देखूंगा। ये देखो यहाँ से आपकी बीम वाली जो ये देखो यहाँ पे 300 बाय 250 का हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 250 जो मेरी विड्थ हो जाएगी और डेप्थ मेरी 300 हो जाएगी। ठीक है, 250 देन यहाँ पे हो जाएगा 0.25 और डेप्थ मेरी हो जाएगी 300 यानी कि 0.3। ठीक है, उसके बाद वाई डायरेक्शन के अंदर मेरा क्या है, वाई डायरेक्शन के अंदर भी सेम कहानी है। यहाँ पे 2.5 2.5 की दो बीम्स हैं, तो नंबर ऑफ बीम्स मैंने लगाया टू। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2.5। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, 2.5 × 0.3 सेम मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू का साइन, नंबर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई डेप्थ, एंटर किया 0.36। ठीक है, सिमिलरली मेरे को यहाँ पे सेम अप्लाई करना है यही। ठीक है, 0.2, ये थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है आपका, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो ये 0.3 आएगा, 0.3 अब ठीक आ गया। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा वापस क्यूबिक मीटर के अंदर। यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बचाना है अपने को, तो पीछे से कुछ कॉपी कर ले आते हैं। अब इसको ऑल्ट के साथ प्लस करूँगा, यहाँ पे मैंने ऑल्ट के साथ प्लस किया, एंटर किया, तो आपका टोटल 0.735। ठीक है, ये मेरा टोटल कैलकुलेट हो गया है ब्रिक का बीम का जो है उसके अंदर कितना कंक्रीट चाहिए, टोटल क्वांटिटी ऑफ बीम कंक्रीट। ठीक है, यहाँ पे अपन ये भी लिख देते हैं, सब जगह ये चीज़ भी लिख देते हैं, कंट्रोल सी यहाँ पे लिखना है, कंट्रोल सी टोटल कंक्रीट वर्क, टोटल कंक्रीट वर्क। ठीक है, यहाँ पे यही सेम अपने कॉपी करना है। कंट्रोल डी प्रेस कर दो, सेम एक्चुअली कोई प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। फॉर्मूला बना रहा है यहाँ पे, ये एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा के काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिलीट करो, यहाँ पे लगाओ इक्वल्स टू का साइन, इक्वल्स टू इसके बराबर हो गया, एंटर कर दो, ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे कॉन्क्रीट का शटरिंग हो जाएगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल बी, यहाँ पे कर दो कॉन्क्रीट का मेरा शटरिंग।
ये मेरे कंक्रीट का शटरिंग हो जाएगा। देन कंट्रोल सी कंट्रोल बी टोटल, सॉरी यहाँ पे अपने टोटल कॉलम कंक्रीट आएगा, कॉलम कंक्रीटिंग स्टेयर स्टेयर के टावर, और यहाँ पे आ जाएगा टोटल कॉलम कंक्रीटिंग कॉलम कंक्रीट शटरिंग, कॉलम कंक्रीट शटरिंग स्टेयर के टावर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10.2 सेम। तो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बना हुआ है, तो आपको इक्वल टू का साइन लगा के इसको क्लिक करके और एंटर करना है इस तरह से। ठीक है, देन मेरा नेक्स्ट जो है ई पार्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरा बीम का शटरिंग आ जाएगा, बीम का शटरिंग लेते हैं। सॉरी यहाँ पे भी एडिट करो, टोटल बीम कंक्रीट, बीम कंक्रीट हो गया, ये बीम का शटरिंग। ठीक है, बीम शटरिंग के लिए मेरे पास क्या होगा, वही दो डायरेक्शन एक्स और वाई डायरेक्शन, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ओ कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने, सॉरी कंट्रोल सी कंट्रोल बी। ठीक है, आपको कॉपी करना था, कट नहीं करना था। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरे को क्या करना है, आपको शटरिंग कैलकुलेट करना है। शटरिंग आपका बीम का कहाँ कहाँ पे होगा, देखो इसके अंदर चलते हैं प्लान के अंदर। अब बीम के शटरिंग के लिए आपको वाइट, ये जो बीम है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो वाई डायरेक्शन की उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक्स डायरेक्शन की बीम को आपको दो पार्ट में अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एक आउटर की बीम हो जाएगी, एक एक्स डायरेक्शन में इनर की बीम हो जाएगी। इनर की बीम के लिए अलग कैलकुलेशन करूंगा और आउटर की बीम के लिए अलग कैलकुलेशन करूंगा, जैसा कि बीम के अंदर मैंने आपको पहले भी करवा रखा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे नीचे कर दो वाई डायरेक्शन को। एक्स डायरेक्शन में एक तो क्या हो जाएगा आउटर, एक मेरा हो जाएगा एक्स डायरेक्शन के अंदर इनर, एक मेरा हो जाएगा एक्स डायरेक्शन के अंदर इनर। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर आउटर वाला भी जो है क्वांटिटी वन है, इनर वाला जो क्वांटिटी वो भी वन है, और वाई डायरेक्शन के अंदर मेरा जो है क्वांटिटी है दो। ठीक है, अब मैं इनर वाले की बात करता हूँ, इनर वाले का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, जहाँ पे अपने को शटरिंग करना है। इनर वाले का लेंथ है 2.4, 2.4 वाले एरिया के अंदर आपको शटरिंग करना है। ठीक है, तो इनर वाले में यहाँ पे जो एक्स डायरेक्शन वाला है वो हो जाएगा 2.4 और ये भी हो जाएगा 2.4। ठीक है, अब चेंज कहाँ पे आएगा, चेंज आएगा इसके क्रॉस सेक्शन को कैलकुलेट करने में। ठीक है, क्रॉस सेक्शन को कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया इक्वल्स टू का साइन। अब देखो एक जो है, एक मेरी आउटर बीम है, एक मेरी इनर बीम है, इसके अंदर क्या होगा, ये देखो आप क्रॉस सेक्शन को आराम से देखो और थोड़ा सा पहले वाली क्लास को याद करो, इसमें यहाँ तक तो स्लैब आ जाएगा आपका 125 mm तक, तो आपका स्लैब आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इनर वाले में दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 175 प्लस 0.25 प्लस 175, और आउटर वाले में 300 प्लस 250, और यहाँ पे आउटर वाले में एक साइड तो आप पूरा लोगे 300 mm प्लस, तो ऐड करते चलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो थोड़ा सा पीछे वाली क्लासेस को अच्छे से रिवाइज कीजिए, बाकी छोटा सा कॉन्सेप्ट है आउटर इनर बीम का, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्लस 0.2 सॉरी माइनस कर दें, प्लस 0.25 प्लस जीरो, एक सेकेंड, नेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 300 में से आपको माइनस करना है 125 स्लैब का आ जाएगा, तो 175 बचेगा, 175 mm के अंदर, मीटर के अंदर हो जाएगा मेरा 0.175। देन एंटर प्रेस किया मैंने, 0.725 आ गया मेरे पास। ठीक है, और अब इनर का कैलकुलेट करते हैं, इनर का मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू का साइन। देखो इनर का जो है बाकी सारी कैलकुलेशन यही आएगी, जैसे मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करता हूँ एक बार सिर्फ आपको दिखाने के लिए, अब आपने किया इसमें 0.3 जो है ये चेंज होगा, क्यों, इसमें से स्लैब का माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.125 mm माइनस हो गया, तो ये बचेगा 0.175 प्लस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हो जाएगा 0.175, यहाँ पे वही 0.25 और फिर यहाँ पे भी 0.175 इनर वाले में, बस इतना चेंज आएगा। ठीक है, देन एंटर प्रेस किया, उसके बाद वाई डायरेक्शन के अंदर क्या कहानी है, वाई डायरेक्शन के अंदर लेंथ जो है वो आपकी कितनी है, वाई डायरेक्शन के अंदर मेरी लेंथ है 2.5। ठीक है,
यहाँ पे आप लेंथ जो है वो डालो 2.5, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन मेरा जो है वो कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन अब वाई वाले में क्या है, दोनों ही आउटर बीम है, वाई वाले के अंदर क्या है, दोनों ही बाहर की तरफ आउटर है, ये भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है। एक्स वाले में सिर्फ ये बाहर की तरफ थी, ये वाली अंदर की तरफ थी, क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या स्लैब आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आउटर वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेम आउटर वाला जो क्रॉस सेक्शन मैंने कैलकुलेट किया था, कंट्रोल सी और कर लेता हूँ कंट्रोल वी। उसके बाद फॉर्मूला बनाता हूँ, इक्वल्स टू का साइन नंबर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई डेप्थ, एंटर। और यहाँ पे इसको ड्रैग करके सारी वैल्यूज बना लेता हूँ और ऑल्ट के साथ प्लस करूँगा, देन एंटर करूँगा तो मेरा आएगा 6.08, ठीक है। इसको यहाँ पे आप थोड़ा सा पॉइंट के 2 डिजिट तक सेट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो 6.81 हो गया राउंड फिगर के अंदर, स्क्वायर मीटर, ठीक है, स्क्वायर मीटर। तो यहाँ से मैं स्क्वायर मीटर को इस तरह से कर लेता हूँ, तो टोटल आपका बीम शटरिंग कैलकुलेट हो गया है टावर के लिए। बीम शटरिंग के लिए अब मेरा बचा है ओनली स्लैब, ठीक है, छोटे छोटे से 2 पॉइंट्स हैं, अभी से हो जाएगा स्लैब में, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। अब यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ बीम कॉन्क्रीट को, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, क्योंकि हम 25 रेडियस में यूज़ करेंगे, मेंशन हो गया है। यहाँ पे कर देता हूँ स्लैब कॉन्क्रीट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, स्लैब कॉन्क्रीट को जो है 2 पार्ट के अंदर कैलकुलेट करता हूँ स्लैब, ठीक है, TS1 और TS2। TS1 और TS2 क्या है, टावर स्लैब 1 और टावर स्लैब 2, ठीक है। टावर स्लैब 1 और 2 क्यों किया है मैंने, देखो यहाँ ड्राइंग के अंदर देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका स्लैब है, यहाँ पे आपका स्लैब जो है वो यहीं तक ही आएगा, कैलकुलेशन उसका यहीं तक ही होगा, क्योंकि ये वाला जो कैलकुलेशन है तो बीम और कॉलम के अंदर हो गया है, साइड वाला यानी कि इनर टू इनर ही कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके अंदर मेरे को। और यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट स्लैब आएगा बाहर तक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका नीचे ब्रिक वर्क हुआ है टोटल, ये देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो है आपका जो है कंप्लीट आपका यहाँ आउटर टू आउटर पूरी डिस्टेंस लेना पड़ेगा और इसमें इनर टू इनर लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने 2 पार्ट के अंदर इसको किया है कि टावर स्लैब 1 और टावर स्लैब 2, ठीक है। तो टावर स्लैब 1 को पहले कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये हो जाएगी मेरे पास 2.4, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टावर स्लैब 1 में इसको लिखता हूँ, नंबर पहले मेरे पास कितना, अगर नंबर तो मेरे पास एक ही है, स्लैब एक ही है मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 2.4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ड्राइंग के अंदर ये तो हो जाएगा 2.4, ये कितना हो जाएगा टोटल 2500, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 150 इस साइड से भी हो जाएगा और 150 इधर से भी हो जाएगा, तो टोटल मेरे पास हो जाएगा 2.5 प्लस 0.15 प्लस 0.15, ठीक है। 0.15 ये कहाँ से निकला, क्योंकि मेरा कॉलम जो है उसका जो मेरा लेंथ है वो कितना है 400 mm, और बीम का है, बीम जो है वो मेरा कितना है 250 mm तक, तो बाकी जो बचा वो कितना हो गया मेरे पास 150 mm, ठीक है। तो 250 यहाँ पे 0.25 करो, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन 0.25 प्लस 0.15, सॉरी 0.15 नहीं, आपका जो है ये होगा 0.015, 0.015 सेकंड, आप यहाँ पे देखिए ये इसको पहले समझ लीजिए एक बार, अगर आपको इस चीज को समझना है, यहाँ पे ये वाले जो है ना एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया, तो इसका आपको कौन सा वाला व्यू देखना होगा, लेफ्ट और राइट वाला व्यू देखना होगा, ये देखो यहाँ पे आ जाओ, ये मेरा 2400 यहाँ पे आ रहा है, सॉरी ये 2500 वाला हो गया, हाँ ये 2500 मेरा हो गया टोटल, ये देखो 400 और 400 इधर, इसमें मेरे को पूरा ऐड नहीं करना है, बीम वाला एरिया जो है वो मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा कितना हो जाएगा, इधर से 250 मैंने माइनस किया तो इधर से हो जाएगा 150 इधर से बचेगा और 150 आपका इधर से बचेगा, यानी कि टोटल आपको ये वाला लेना है 2500 प्लस 150 और प्लस 150, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा,
यहाँ पे गलत लिख दिया अपन ने, 2.5 मीटर के अंदर मैं चेंज करूँगा 2500 को, तो मीटर के अंदर 2.5 प्लस 150 mm, यानी कि 0.15 प्लस 0.15, देन एंटर प्रेस किया तो आ गया 2.8, ठीक है। और आपका स्लैब का जो डेप्थ है वो है 0.125, स्टार्टिंग से डिस्कस कर ही रहे हैं। ये देखो यहाँ पे गिवन है आपको, ये रहा 125 mm गिवन है, ठीक है, मीटर के अंदर मैंने चेंज कर दिया। ये TS2 की बात करते हैं, ये भी मेरे पास 1 ही है। अब इसमें आउटर टू आउटर लूंगा मैं तो क्या डायमेंशन आ जाएगी मेरी, ये देखो यहाँ पे 0.65 प्लस। अब बीम यहाँ पे आपका जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्लैब की बात करूँ तो स्लैब तो है ऊपर पूरा आएगा, तो डोर वाले एरिया पे अपने को कंसिडर करना पड़ेगा इसमें ना, तो ये पूरा होगा, तो 6.5 प्लस 2.4 प्लस 6.5 है ना। तो आप यहाँ पे TS2 के अंदर क्या करोगे, यहाँ पे देखो TS2 को अगर आप और समझना चाहो तो नीचे ड्राइंग में और अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो आ रहा है ना, सॉरी सेकंड, आपका TS2 के लिए कैलकुलेट करना है, स्लैब स्लैब कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई बस इतना ही करना है अपने को, एक्चुअली ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। तो मेरा यहाँ पे टोटल जो लंबाई है वो कितना है, 2.4 प्लस दोनों साइड से मैं ऐड कर लूँगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया मेरा 2.4, दोनों साइड से 250 250 मैं ऐड करूँगा, ठीक है। 250 250 हो जाएगा 500, 500 प्लस 2400, ठीक है। तो 2900 हो गया, 2900 मेरा mm के अंदर है, तो मीटर के अंदर मेरा कितना हो गया 2.9, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ पे भी इसको लिख सकते हो उस तरह से, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 2.9। ये जो मेरी टोटल यहाँ पे जो है, ये वाली टोटल लेंथ कितनी हो गई, यहाँ से लेके आउटर से लेके यहाँ आउटर तक कितनी हो जाएगी, ये देखो ये 2400 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ यहाँ जाके तो देखो यहाँ जाके ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बैक एलिवेशन में 2400 प्लस 250 प्लस 250, ठीक है, 2900, देन ये मेरा हो जाएगा 2.9, ठीक है। और लंबाई आपकी हो जाएगी 650, यानी कि 0.65, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0.65। और डेप्थ जो है वो आपकी सेम रहेगी, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। अब फॉर्मूला बनाता हूँ, इक्वल्स टू का साइन नंबर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई डेप्थ, एंटर, देन सेम प्रोसेस को रिपीट किया यहाँ पे, और यहाँ पे ऑल्ट के साथ प्लस प्रेस किया, एंटर किया, ठीक है। ऑल्ट के 2 डिजिट तक सेट कर देता हूँ मैं, सॉरी 2 डिजिट, 1.08 क्यूबिक मीटर आ गया मेरा। यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, मीटर कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल बी। यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल स्लैब कंक्रीट वर्क, टोटल स्लैब कंक्रीट वर्क क्वांटिटी, स्लैब कंक्रीट वर्क क्वांटिटी, ठीक है। अब लास्ट मेरा बताए जी पॉइंट कर देता हूँ उसको मैं, स्लैब शटरिंग, स्लैब शटरिंग कंट्रोल बी, और यहाँ पे मैं करता हूँ स्लैब, स्लैब शटरिंग हो जाएगा आपका, ठीक है। स्लैब शटरिंग में मैं सेम इसको कॉपी कर लेता हूँ, TS1 ये मेरा सेम रहेगा, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई मेरी सेम रहेगी, ठीक है, एरिया के अंदर ही कैलकुलेट करते हैं इसको, ठीक है। तो एज इट इज मेरे को इसको क्या करना है, सेम इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। इसको अपन क्या करेंगे, एरिया के अंदर ही कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन देन नंबर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, एंटर, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी इसको कर लेता हूँ, देन यहाँ पे ऑल्ट के साथ प्लस को प्रेस करूंगा और एंटर करूंगा, तो आ जाएगा 8.605, पॉइंट के 2 डिजिट तक इसको मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। देन ये मेरा हो जाएगा स्क्वायर मीटर के अंदर, ये मेरा हो गया स्क्वायर मीटर के अंदर, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी। तो स्लैब शटरिंग वर्क स्लैब का शटरिंग वर्क, ठीक है। तो टोटल मेरे पास जो है 7 स्टेप्स हो गए आज। पहले अपन ने ब्रिक वर्क को कैलकुलेट किया क्यूबिक मीटर के अंदर, देन कॉलम के कंक्रीट को, कॉलम शटरिंग को, फिर बीम कंक्रीट को, बीम शटरिंग को, देन स्लैब कंक्रीट को, स्लैब शटरिंग को, ठीक है।
टोटल इतना ही है। स्टेयर केस जो टावर है, ठीक है, रूफ टॉप पे जो आपका बना हुआ होगा स्टेयर केस टावर, ठीक है, वो इतना सब क्वांटिटी से बना हुआ होगा, ठीक है, तो उसको सबको मैंने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करते हैं कि पैरापेट वॉल के अंदर आपका कितना टोटल जो है क्वांटिटी आएगा, और तब तक कि आप लिए ना, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।